आज हम लोग करने वाले हैं उस्मान के साथ एक छोटा सा प्रैंक। तो ये हमारे पास जो है ना डबल सर्दी अंडा है, इसके अंदर उसे एक शर्ट लगाना है, लगा। कल आना। दो सर्दियां उस्मान का नाश्ता बनाने लगी हूँ। घर की मुर्गी दाल जल्दी करो, मेरे पे टाइम नहीं है। लेस खाना। Hey guys, welcome back to my channel। उम्मीद आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सो जुम्मा जो है वो हो चुका है और मैं जो है वो जुम्मा पढ़ चुकी हूँ। सो अभी जो है हम लोग उस्मान के साथ एक छोटा सा प्रैंक करने लगे हैं, और प्रैंक में कुछ ऐसा है कि उसको जो है आज मैं बना के देने वाली हूँ अंडा और डबल रोटी। लेकिन अंडे का ये सीन है कि उसको हम आज डबल जर्दी अंडा खिलाने लगे हैं, लेकिन उसको नहीं पता। उसको हम दिखाएंगे कि हम उसको जो है वो देसी अंडा खिला रही हूँ। तो पहले हम उसको दिखाएंगे कि हमारे पास देसी अंडा है, फिर उससे शर्त लगाएंगे कि इसके अंदर से जो है ना वो दो जर्दियाँ निकलेंगी। तो हम उसको, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि मेरे पास दोनों अंडे जो है वो मैंने जमा कर लिए, मैं लेके आई थी बाज़ार से। सो किचन में जाके ना अदला बदली कर लेंगे और तोड़ेंगे तो दो जर्दियाँ निकलेंगी, और फिर वो शर्ट जो है वो हार जाएगा। फिर देखेंगे कि क्या उससे लेना है और क्या उससे वो शर्ट हारता है और क्या उससे पैसे लूँगी या ट्रेड वट एवर जो भी है। तो अभी जो है ना उससे पूछते हैं कि वो क्या खाएगा। लेकिन आज जो है ना नान चने, वो नान चने रोज़ नान चने खाता है। सो आज जो है ना मैंने उसके पापा से जो है ना कहा कि आज नान चने नहीं आएंगे, आज हमने अंडा और ब्रेड पे लगा दिया। सो उसके साथ प्रैंक करने लगे हम छोटा सा। तो चलते हैं किचन में। इससे पहले उस्मान को पता चल जाए। सो हमारे पास जो है ना यहाँ पे ये देसी अंडे हैं, और ये जो है ना इस साइज से थोड़ा सा बड़ा है, और ये हमारे पास जो है ना डबल जर्दी अंडा है, इसके अंदर दो जर्दियाँ होती हैं, और ये जो है हमारे पास देसी अंडा है। दिखने में दोनों सेम है, ये देखें अगर हम इसको रखें, लेकिन साइज़ में जो है ना वो ज़रा छोटा है, ये ज़रा बड़ा है और ये ज़रा छोटा है। तो ये हमारे पास दो अंडे हैं, एक में एक जर्दी है और दूसरे में दो जर्दी है। सो उस्मान के साथ अंदर चलते हैं, उसको पहले मैं छोटा वाला दिखाऊंगी कि मैं आपसे शर्त लगाती हूँ कि इसके अंदर जो है ना वो दो जर्दी है। वो मानेगा तो नहीं वैसे, लेकिन चलते हैं और पहले उसको ये दिखाते हैं, फिर मैं उसको कहूँगी कि बेड पे नहीं तोड़ना, क्योंकि वो सारा बेड पे गंदा हो जाएगा। मैं बाहर से तोड़ के लेके आती हूँ, तो बाहर से आऊँगी तो अंडा जो है वो चेंज कर दूँगी। बस आपने मेरे साथ में तो बस मेरी हंसी ना निकले, ये सब कहना है। तो सामान से चलते हैं, उसको शर्त पे राजी करते हैं। सो ये वाला अंडा जो है ना अभी छुपा देती हूँ, ताकि सामान अगर किचन में आए तो उसको नज़र ना आए ना। तो ये वाला अंडा ले जाती हूँ। चलो सो अभी जो है उस मांग के साथ हम एक शर्ट लगाने लगे हैं। लाइट खोल लो ताकि मान क्या आपसे एक शर्ट लगाना लगा कल आना। सुनो तो सही, इसके अंदर जो है ये देखो अंडा है ना, ये कौन सा अंडा है आपका? अंडा है ये, डायनासोर का, ये देसी अंडा है, ठीक है। हाँ, तो इसमें दो जर्दियां छुट्टी करो, इसमें दो जर्दियां, एक अंडे में से दो जर्दियां निकलेंगी। बताओ मानते हो कि नहीं मानते? नहीं, इसमें से दो जर्दियां निकलेंगी। ऐसा करो एक निकाल के भी बना दो, एक कल बना देना, दो दिन चल जाएगा एक अंडा। एक अंडे में से दो जर्दियां निकलेंगी। हाँ। और मानते कि नहीं मानते? नहीं, अगर अगर मैंने दो एक अंडे में से दो जर्दियां निकाल ली तो आपको वो सूट दिला दूंगा। कौन सा जो आपने मुझे दिखाया वो चाइना सूट, वो 10,000 वो रेन कोट, वो ईद वाला। हाँ वो रेन कोट। चलो मैं इसको तोड़ती हूँ, ठीक है, फिर आप बताना। हाँ तो जाहिर सी बात है मैं इतनी महंगी डील किसी के हाथ उड़ना छोड़ने वाली। तो मैं बना के लेके आती हूँ ना, क्या इधर ही तोड़ू? मुझे क्या मिलेगा क्या? मैं जीता दो सर्दियाँ, दो जर्दियाँ खा, नुकसान में 10,000 रुपए की दो जर्दियाँ, दो जर्दियाँ निकलेंगी एक अंडे में से, नहीं निकलेंगी छोटा सा। मैं बना के लेके आती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी, ठीक है? ठीक है, दो नंबर ही तो नहीं करो? नहीं नहीं, इसके साथ ही जुड़ेगा होंगे दोनों, एक ही अंडे में से दो जर्दियाँ निकलेंगी।
गिर जाएगी ना इधर, अगर मैं तोड़ूंगी तो अंडा सारा गिर जाएगा। मैं किचन में से बना के लेके आती हूं, फिर आपको दिखाती हूं। नहीं मैं भी आती हूं। नहीं ये आप अंडा पकड़ो, मैं लेके आती हूं। तो ये अंडा तो मेरे पास है, आप कैसे बना के लाओगी? मैं वो प्याली, अच्छा चलो मैं प्याली लेके आती ना, उसको क्रैक तो कर दू ना। हाँ, यहाँ पे टूट जाएगा नहीं तो बेड पे गिर जाएगा ना, बेड गंदा हो जाएगा। अब अंडा चेंज करने लगे, ये वाला मैंने अंडा इधर ही रख दिया और उसमें से हम निकाल लेंगे डबल सर्दी अंडा। ये दोनों सेम है लेकिन साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है। सो हमारे पास ये दो देसी अंडे जो थे ना, हम इसको साइड पर रख लेते हैं और इसमें जो है ना जो दो थे वो हम निकाल लेते हैं और इसको हम छुपा देते हैं ताकि सामान को पता ना लगे, और दूसरे अंडे भी इसके अंदर ही हैं। सो ये लेके चलते हैं अंदर उस्मान के पास ताकि उसको पता ना लगे। ये देखो मैं ले आई हूँ। अब आप कैमरा पकड़ो, अब आप भी ना कहना चीटिंग की है, चीटिंग चोर हो आप। मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? दिखाओ पहले अंडा। मैं अंडा वही है यार, गिर जाएगा ना, मैं नीचे रख लेती हूँ। नीचे क्यों? नीचे रख लेती हूँ ना। दो नंबर ही है ये। मैंने आपको बोला था ना इसमें दो सर्दियां हैं। ये दो अंडे मुझे लग रहा है आपने की। आपके सामने तोड़ा है मैंने, पागल। मैंने आपको बोला था इसमें दो सर्दियां हैं, आपने मेरी बात नहीं मानी। मैं मुकरता हूँ अपनी बात से। बेटा देख लो इसमें दो सर्दियां हैं, आपने मेरी बात नहीं मानी। सो आप हार चुके हो, अब आप मुझे लेके दोगे सूट और उसके साथ एक अदद पिज़्ज़ा भी, ठीक है? जब हम मॉल जाएंगे आपने मुझे सूट भी दिलवाना है, ट्रीट भी दिलवाना है, टीका जरूर लगवा दूंगा मैं आपको, ट्रीट भी देनी है। सो आप हार चुके हो और आपको दो अंडे खाने को मिलेंगे, दो जर्दियाँ। मैं जा रही हूँ अंडा बनाने के लिए। आप हार चुके हो, अपना मुँह तो दिखाओ लोगों को। नहीं दिखाऊंगा मैं, नहीं दिखाऊंगा। सो गाइस मैं अपना चैलेंज जो हूँ वो जीत चुकी हूँ। सो अंडे में से निकले हैं दो जर्दियाँ। सो मैंने भी ये पहली दफ़ा देखा है। मैं ना जा रही थी तो मुझे नज़र आया कि उसमें जो है ना डबल जर्दी अंडा लिखा हुआ था, मैंने कहा डबल जर्दी अंडा। सो मैंने कहा चलो क्यों ना प्रैंक ही कर लूँ स्मार्ट के साथ, में से है तो वो बहुत तेज़। लेकिन अभी जो है वो हमारा प्लान हो गया है कामयाब और मुझे मिल जाएगा सूट मेरा ईद का, वो भी जो मैंने फरमाइश की थी। सो अभी जो है हम लोग बनाने लगे उस्मान का नाश्ता। सो यही अंडा जो है ना, यही अंडा उसको नाश्ते में खिला देंगे ताकि हमारा काम भी जो है ना वो फटाफट मुक जाए। सो नाश्ता बना के फिर मिलते हैं। सो ज़िंदगी में मैंने सिर्फ अपना नाश्ता सिर्फ एक कप चाय पिया और साथ में बिस्किट खाया, और यहाँ पर आकर मुझे अपना नाश्ता भी बनाना पड़ता है। पहले मैं नाश्ता नहीं करती थी और इधर आके मुझे नींबू दिख दिया और उस्मान का नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो इसकी जर्दियों का कलर कितना डार्क है। हमारे इधर गैस नहीं आती, गैस का बहुत रोल है इसलिए हमें इधर से गुजारा करना पड़ता है। सो नाश्ता बना लूँ फिर मिलती हूँ आपसे गाइस। एक व्लॉगर को क्या क्या करना पड़ता है, व्लॉग भी बनाना पड़ता है, साथ में घर के काम भी करने पड़ते हैं, ऑफिस का काम करना पड़ता है। और ये साहब जो है वो बस सोने के लिए आए हैं। सो अभी जो है ना हमने खाने को कुछ मंगवाया है, सो मैं नीचे जाके जो है ना वो लेके आती हूँ क्योंकि फूड पांडा करें, क्योंकि आज हमने आलू पकाए हैं ना तो इसलिए आलू खाने का मूड नहीं कर रहा। सो हम खाएंगे कुछ, पिंक्स बहुत ज़्यादा खाती हूँ सो मुझे आज सीपे खाने का दिल कर रहा था। सो नीचे चलते हैं, इधर बहुत ज़्यादा जो है ना गंदगी हुई थी क्योंकि काम चल रहा है सफेदियाँ वगैरह। सो मैंने जो है वो ले ली है, अब हम ऊपर चलते हैं, थक गई मैं बहुत ज़्यादा। लोगों ने जो है वो खाना वाना खा लिया है और अभी जो है हमें वेट करना पड़ेगा उस्मान का, क्योंकि उस्मान बहुत ज़्यादा लेट आता है।
सो अभी बज रहे हैं 4 और उस्मान आएगा 5 बजे। उस्मान जो है वो लेट आता है इसलिए मैं उसका इंतज़ार करती हूँ और बीच में जो है वो काम करती रहती हूँ और इसलिए जो है वो सुबह लेट उठती हूँ। सो अभी जो है हम लोग उस्मान का इंतज़ार करेंगे, जब वो आएगा फिर दिखाती हूँ वो कितनी रात को बेचारा आता है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है मैं बता नहीं सकती। और बस जाग जाग के मेरे डार्क सर्कल्स जो है ना इसलिए ज़्यादा हुए हैं। हम लोग इंतज़ार करते हैं और उसके वेट करते हैं, बस करने को यही है। सुबह उस्मान जो है ना वो उठ चुका है और वो नीचे है, चांद ऐसे निकला हुआ है। सो अभी उसको ना हम डराएंगे। आप तो एक ना बंदे को चाहिए खाना पड़ा है, उसको फ्रिज में डाल दो। आज क्या खा के आया? चपली कबाब। रोज बाहर से खा के आते हो? रोटी रोज कहाँ कर, आज ही खाए। आप तो आलू बाबा छा दे बेबी, आप तो बहुत मोहब्बत करते हैं आपके। घर का क्यों नहीं खाते हैं? घर की मुर्गी दाल बराबर। चपली कबाब क्या गया, आलू क्या चीज है जनमन? कल बर्गर खा के आए, आज चपली कबाब खा के ये सही है। हम यहाँ घर पे आलू खाए। नहीं नहीं आलू क्यों खाओ, बर्गर नहीं मंगवाया था? हम यहाँ पे आलू खाए और बर्गर मंगवाया था। बर्गर पिज्जे खाओ, मंगवाया था ना बर्गर, तो वो आलू से के बर्गर थे। बर्गर में आलू भरे हुए थे। आलू खा रही थी कि बर्गर खा रही थी? मैं आपका मिल्क शेक, अच्छा मैं आपका मिल्क शेक नहीं बनाया, पी गई। मुझे ज्यादा दुख होता अगर आप पी जाती। पापा आज दूध नहीं लेके आए। क्यों? इसलिए मिल्क शेक नहीं बनना, छोटी करो। दूध नहीं लेके आए वो गाइस, जो ओलपर्स का डब्बा जो बक्से में छुपाया हुआ है वो किधर रखा हुआ था? बिफोर आफ्टर एंड आपको सफेदी में और दीवार में और इसमें कोई फर्क नजर आ रहा है? ये यार आपके हाथ गंदे हाथ छप जाएंगे दीवार पे। अच्छा, दीवार वो देखो गंदी होगी दीवार। कौन सा? ये देखो नजर आ रहा है कैमरे में? ये आपके हाथ है, मेरा तो हाथ ही दर्द है। अच्छा ये तो उल्टा हाथ है, सीधा हाथ थोड़ी। अरे साहब इधर को सब सही है, देखो ये ऐसे हाथ लगा हुआ है, ऐसे मेरा तो हाथ ही ये तो थोड़ी गई है। तो हर कामयाब मत के पीछे एक औरत का हाथ। चलो गाइस हम लोग इधर ही व्लॉग को एंड करते हैं। पता है क्यों हर कामयाब उस्मान को मर्द के पीछे औरत का हाथ क्यों होता है? क्यों? नकाब मर्द के पीछे औरत ही होती है। ये भी घुमा इसे घुमा। सो हम जो है वो अब कल जो है वो शिवराज भी लेके आनी है मामा ने, और मुझे खाना पकाना है और इधर गैस आती नहीं है और उधर जाकर पकाना पड़ेगा। सो बस इधर ही व्लॉग एंड करते हैं। सो जो सारे बाय बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलना, येलो रीच ठीक है। जो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेगा जल्दी जल्दी और मेरे फॉलोअर जब ज़्यादा हो जाएंगे फिर मैं एक चीज़ जो है ना गिव अवे करूँगी, उस्मान का स्वेटर। ये भी मेरा ही स्वेटर है, अपना स्वेटर तो है नहीं पहनने को, लोगों को क्या लोगी? मेरा स्वेटर किसने बोला ये आपका स्वेटर है? ये बोला तो मेरा, ये भी मैं पहन लूंगी। ओके गाइस बाय बाय।